रेलवे ने भागलपुर से सूरत के बीच चलने वाली भागलपुर सूरत एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने इस ट्रेन में बड़ा परिवर्तन दिसंबर के महीने में करने का ऐलान किया है। यह ट्रेन दिसंबर के महीने में नए बदलाव के साथ चलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर इस ट्रेन में क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही इस रेलखंड से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे और भी अन्य लेटेस्ट जानकारी का न्यूज और नोटिफिकेशन मिलता रहे। ध्यान रखें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक किए हों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भागलपुर की प्रमुख ट्रेनें जैसे कि विक्रमशिला एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस के समय सारणी में परिवर्तन करने के बाद अब रेलवे भागलपुर सूरत एक्सप्रेस के टाइम टेबल में बदलाव कर सकती है। 1 दिसंबर से सूरत और 3 दिसंबर से भागलपुर से सूरत स्पेशल ट्रेन नए टाइम टेबल पर चलेगी। भागलपुर से सूरत एक्सप्रेस अब सुबह 9:25 की जगह पर 6:45 पर खुलेगी सुबह में, जबकि सूरत से यह ट्रेन 15 मिनट के बाद खुलेगी और 25 मिनट पहले यह ट्रेन पहुंचेगी। ट्रेन के स्टॉपेज में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। सिर्फ टाइम टेबल में थोड़ा परिवर्तन किया गया और इतना बड़ा बदलाव रेलवे ने दिसंबर के महीने में कर दिया है। सूरत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भागलपुर से लेकर के सूरत तक जिन जिन स्टेशन पर ठहराव है उन सभी स्टेशन पर समय में बदलाव किया गया है और इसका पूरा डिटेल समय सारणी आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए देख सकेंगे। जमालपुर में यह ट्रेन 10 मिनट की जगह अब नए टाइम टेबल के अनुसार 5 मिनट का स्टॉपेज यहां पर दिया गया है। भागलपुर के अलावे मुंगेर, लखीसराय, पटना जैसे प्रमुख स्टेशन पर अप और डाउन में समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। रेलवे का कहना है कि दिसंबर में नई टाइम टेबल लागू होने वाला है, ऐसे में रेलवे कई ट्रेनों का परिचालन नए टाइम टेबल से करने वाली है। तो ये था आज का अपडेट। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें।